खबर दुनिया में आज देखेंगे, मध्यावधि चुनाव के बाद बिफर गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान हुआ साइबर क्राइम का शिकार, ईसा मसीह की याद को बचाएगा इजराइल और चीन में कुत्ता घुमाने के लिए बने कड़े नियम। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे मनचाहे आकार में आने वाले रोबो की और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वमित्रा। मध्यावधि चुनाव को अमेरिका में मौजूद राष्ट्रपति के कार्यकाल पर टिप्पणी की तरह समझा जाता है। अगर इस नजरिए से देखें तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम से जनता खुश नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को मात देते हुए अपना दबदबा कायम किया है। मध्यावधि चुनाव के नतीजे की बौखलाहट ट्रंप के व्यवहार में देखी जा सकती है। चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों से उलझ गए और कथित तौर पर नस्ली सवाल पूछने वाले सीएनएन के रिपोर्टर जिम अकोस्टा का प्रेस पास निलंबित कर दिया। मध्यावधि चुनाव पर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों से नाराज ट्रंप ने सीएनएन के रिपोर्टर जिम अकोस्टा को असभ्य और क्रूर करार दिया। जिम अकोस्टा ने ट्रंप से सेंट्रल अमेरिका से आने वाले प्रवासियों को लेकर सवाल पूछा था, जिन्हें ट्रंप कई बार क्रिमिनल करार दे चुके हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ मुझे देश चलाने दो और तुम सीएनएन चलाओ। उन्होंने जिम अकोस्टा का प्रेस पास निलंबित कर दिया। इस बीच अमेरिका के प्रेस संगठनों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। करीब डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कई बार वे रिपोर्टरों के सवाल का जवाब देने के बजाय माइक्रोफोन छोड़कर चले गए। ट्रंप की बौखलाहट अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस पर भी उतरी, उन्हें बुधवार को पद से हटा दिया गया। दरअसल 2016 के चुनाव में रूस के दखल की बात बार बार उठती है और इससे जुड़ी जांच के मामले में जेफ ने खुद को अलग कर लिया था। ये बात ट्रंप को रास नहीं आई। यूं भी मध्यावधि चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट में बदलाव की उम्मीद थी और जेफ इसके पहले भुक्तभोगी हैं। न्याय विभाग द्वारा जारी पत्र में जेफ ने कहा, आपके निवेदन पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वैसे 2016 से ही जेफ के डिपार्टमेंट और राष्ट्रपति के बीच तनाव था। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से उनके विभाग की आलोचना की थी। ट्रंप ने ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान किया कि मैथ्यू जी विटेकर अब नए अटॉर्नी जनरल होंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया, मैं जेफ सेशंस को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। FBI के पूर्व निदेशक रॉबर्ट मुएलर अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। मध्यावधि चुनाव में किसी तरह के दखल की जानकारी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, हम चीन, रूस और हमारे चुनाव में दखल देने वाले किसी अन्य को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी चुनाव में किसी बाहरी दखल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के तल्ख तेवर ये बता रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने उन्हें आईना दिखा दिया और असलियत उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। अब देखना यह है कि आखिर उनका मनमाना रवैया कब तक चलता है। वैसे अभी तक अमेरिकी मर्जी के खिलाफ उत्तर कोरिया ने फिर आवाज उठाई है और अब अमेरिका और उत्तर कोरिया के शिष्टमंडल की मुलाकात टल गई है। बीते मंगलवार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने न्यूयॉर्क में उत्तर कोरिया के शीर्ष अधिकारी से बातचीत के कार्यक्रम को अचानक एक तरफा तौर पर टाल दिया। विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नॉट ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष राजनयिक और उत्तर कोरिया के शिष्टमंडल के बीच गुरुवार को होने वाली वार्ता अब बाद में होगी। उन्होंने कहा, हम अपने कार्यक्रम के हिसाब से कोई अन्य तारीख तय करेंगे। विदेश विभाग के अधिकारी ने बैठक टालने को लेकर कोई और जानकारी नहीं दी। हालांकि उत्तर कोरिया अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए लगातार मांग कर रहा है। खबर थी कि पोम्पियो न्यूयॉर्क में किम योंग चुल से मुलाकात करने वाले थे और परमाणु निरस्त्रीकरण संधि की दिशा में प्रगति पर चर्चा भी होनी थी। इसके अलावा वे ट्रंप और किम जोंग उन के बीच दूसरी मुलाकात कराने पर भी बातचीत करने वाले थे। किम योंग चुल किम जोंग उन के भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर में ट्रंप की किम जोंग उन के साथ अच्छी वार्ता होने के बाद अमेरिकी प्रशासन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए प्योंगयांग पर दबाव बना रहा था। उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते कहा था, अगर अमेरिका पाबंदियों को नहीं हटाता तो वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी नीति पर लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं पोम्पियो ने कहा था कि अंतिम लक्ष्य हासिल करने तक उत्तर कोरिया को कोई आर्थिक राहत नहीं दी जाएगी। उत्तर कोरिया के शिष्टमंडल के साथ पोम्पियो की बैठक टालने पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक को टाला जाना खेदजनक है, लेकिन जोर दिया कि अत्यधिक निराशावादी व्याख्या गैर जरूरी है। जरूरी हो या गैर जरूरी, लेकिन जब भी ट्रंप, किम जोंग उन या अमेरिका और उत्तर कोरिया की मुलाकात की बात उठेगी, चर्चाएं होंगी ही। आखिर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो धमकियां पहले दी हैं, उससे पूरे विश्व के लिए खतरा बढ़ गया है। वैसे खतरा इस वक्त पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही खस्ता हाल थी, अब बैंकों में साइबर डकैती की चर्चा से हालात बिगड़ने का डर बढ़ गया है। पाकिस्तान में मंगलवार को लगभग सभी प्रमुख बैंकों के डेटा हैक होने की खबर आई। ये मामला ऐसे समय सामने आया जब अभी कुछ दिन पहले ही 10 बैंकों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा में सेंध को लेकर चिंता जताए जाने के बाद अपने कार्ड्स पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को ब्लॉक कर दिया था।
लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों का खंडन किया है। SBP ने कहा कि 27 अक्टूबर को एक बैंक का डेटा चोरी कर पैसे चुराने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सभी बैंकों को सतर्क कर दिया गया है। इससे पहले संघीय जांच एजेंसी के साइबर क्राइम विंग के निदेशक कैप्टन मोहम्मद शोएब के अनुसार लगभग सभी पाकिस्तानी बैंकों के डेटा को हैक कर लिया गया है। एजेंसी ने इस बारे में बैंकों को जानकारी दे दी है और बैंकों के प्रमुखों और सुरक्षा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई है। अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसके सदस्य ग्राहकों का डेटा चोरी करने के बाद सैन्य अधिकारी बनकर बैंकों से पैसे निकालते थे। खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान पर रोक लगा दी है। हैकरों ने कम से कम 10 पाकिस्तानी बैंकों के 8,000 से ज्यादा खाता धारकों के डेटा चुरा कर बाजार में बेच दिए। पाकिस्तानी बैंकों पर साइबर हमले का पहला मामला 27 अक्टूबर को सामने आया था, जब बैंक इस्लामी ने इसकी शिकायत की थी। बैंक ने बताया था कि उसके अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट कार्ड से 26 लाख रुपए चोरी कर लिए गए हैं। साइबर क्राइम के ऐसे प्रकरण चिंता बढ़ाते हैं और इसका एकमात्र उपाय यही है कि पहले से सावधानी बरती जाए। वैसे किसी भी खतरे से बचने के लिए पहले से एहतियात बरतने में ही समझदारी है। जैसे इस वक्त इसराइल एक ऐतिहासिक झील को बचाकर दिखा रहा है, जो धीरे धीरे सूख रही है। इसराइल में मीठे पानी की एक बड़ी झील है, गलील झील। इसका जिक्र बाइबल में भी है, जिसके मुताबिक यीशु गलील झील पर रहते थे। सूखे और लंबे इस्तेमाल के चलते झील का जल स्तर अब घटने लगा है। यहाँ छुट्टियां मनाने आए सैलानियों और मछुआरों को अब किनारों तक पहुँचने के लिए दलदली जमीन से गुजरना पड़ता है। इसराइल के इस सबसे बड़े जलाशय के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है, और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जॉर्डन नदी और मृत सागर तक पहुँचने वाले पानी में भी कमी आ जाएगी। इसराइल ने इसका समाधान अब पानी के खारेपन को कम करने वाली तकनीक डिसेलिनेशन में ढूंढ लिया है। खारेपन को दूर करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अब इसराइल भूमध्य सागर के पहले से दोगुना पानी को पीने लायक बनाएगा और उसमें से आधे को 75 किलोमीटर दूर गलील झील तक भेजेगा। इसराइल के ऊर्जा और जल मंत्री युवाल स्टाइनिट्स कहते हैं, हम प्रकृति को बचाने और गलील झील पर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने के लिए ये कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी कोशिश देश में जल भंडारण करने की भी है। ईसाइयों के लिए भी इस झील का बहुत महत्व है। स्टाइनिट्स कहते हैं, अगर यीशु वापस आते हैं तो कम से कम हमें यह तो सुनिश्चित करना होगा कि वे पानी पर दोबारा चल सकें। आपको बता दें कि 2004 में आखिरी बार ये झील पानी से लबालब भरी थी। इसके बाद से अब तक जल स्तर करीब 18 फीट नीचे गिर गया है। इसराइल यदि इस झील को बचाता है तो वो जॉर्डन के साथ 1994 में हुए शांति समझौते के तहत ज्यादा पानी देने की शर्त से मुक्त हो जाएगा। स्टाइनिट्स उम्मीद जताते हैं कि इस कदम के चलते गलील झील 2026 तक एक बार फिर भर जाएगी। डिसेलिनेशन की तकनीक में इसराइल दुनिया में सबसे आगे है, और अगर एक सूखती झील को बचाने का यह प्रयोग सफल रहा तो दुनिया में पानी के बहुत से स्रोत बचाए जा सकते हैं। इसराइल से चलते हैं चीन, जहां कुत्तों पर एक कठोर नियम लागू किया गया है। चीन के दक्षिण पश्चिम में यूनान प्रांत, जहां के वेंचान शहर में प्रशासन ने दिन में कुत्तों को बाहर टहलाने पर रोक लगा दी है। साथ ही पार्क, शॉपिंग सेंटर्स, खेलने की जगह और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वेंचान शहर में 29 अक्टूबर को जारी इस अध्यादेश को देश में फिलहाल सबसे कठोर कहा जा रहा है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि कुत्तों को सुबह 7 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद ही बाहर टहलाया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि कुत्तों की चेन 1 मीटर यानी 3 फीट से अधिक नहीं हो सकती और उन्हें केवल वयस्क लोग ही टहला सकते हैं। गौरतलब है कि चीन में कुत्ते पालने पर कड़े नियम लागू हैं। जब कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग का कार्यकाल था, तब पालतू जानवरों को पालने की प्रवृत्ति को बुर्जुआ शौक के तौर पर जाना जाता था। लेकिन हाल के कुछ दशकों में संपन्नता के बढ़ने के साथ साथ चीनी परिवारों में कुत्ते पालने का शौक भी बढ़ रहा है। कई शहर अब भी उन नियमों का पालन करते हैं कि किस इलाके में किस आकार के कुत्तों को पालना है। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म टर्मिनेटर में एक रोबो एंड्रॉइड था, जो अपना आकार खुद बदल लेता था और अपनी चोट भी ठीक करने में सक्षम था। वैज्ञानिकों ने अब ऐसा ही रोबो असल जीवन में लाने की तैयारी कर ली है। चीन में शोधकर्ताओं ने मिलकर एक हथेली में समा जाने वाला रोबो तैयार किया है, जो आकार बदलने और खुद की चोट ठीक करने में माहिर है। इस प्रोटोटाइप को बनाने में शोधकर्ताओं ने छोटे प्लास्टिक पहिए, एक लिथियम बैटरी और एक द्रव गैलियम का इस्तेमाल किया है। इस प्रोटोटाइप को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चीन और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वुलगोंग के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक लिक्विड मेटल एलॉय सॉफ्ट रोबोट बनाने के लिए एकदम सटीक विकल्प है क्योंकि इसमें हाई कंडक्टिविटी, बेहतर नियंत्रण और शानदार फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इन्हीं खूबियों की वजह से इन्हें कई मुश्किल कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कई मिलिट्री कार्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल क्षेत्र में भी इनका योगदान अमूल्य हो सकता है। हालांकि अभी रिसर्चर्स ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ये कब से इस्तेमाल करने के लिए बाजार में उपलब्ध हो सकेगा। ये रोबो अपनी शानदार फ्लेक्सिबिलिटी के कारण किसी भी अवस्था में मुड़ जाता है। इसका आकार इतना छोटा है कि ये एक मुट्ठी में समा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये एक गोली का आकार भी ले सकता है और पेट में जाने के बाद ये अपना आकार बदलकर काम शुरू कर सकता है और काम पूरा होने के बाद दोबारा गोलाकार लेकर पेट से बाहर आ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसका शरीर मुलायम है, जिस वजह से इंसानी शरीर को अंदर से नुकसान नहीं होगा। फिल्मों में साइंस फिक्शन तो बहुत देखे हैं, लेकिन असल जीवन में इस तरह का कमाल वाकई रोमांचित करता है। अब देखना है कि कब तक ये जादुई रोबो बन पाता है जो कहीं भी कैसे भी फिट हो जाएगा और इंसानों की मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।